एमएलसी कविता पर बांडी सांजे की टिप्पणी के खिलाफ बीआरएस नेता प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बांडी सांजे से माफी की मांग की। कई थानों में शिकायत की गई है कि संजय महिलाओं को नीचा दिखा रहे हैं। बांडी सांजे का पुतला दहन किया गया है। मंत्री मल्ला रेड्डी ने कविता पर टिप्पणी करने के लिए बांडी सांजे से माफी मांगने को कहा है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की सांस्कृतिक टिप्पणी करने पर भाजपा नेता राज्य में वापस नहीं आएंगे। बांडी सांजे को चेतावनी दी। बांडी सांजे को कविता से बिना शर्त माफी मांगने को कहा। बीआरएस नेताओं ने पंजागुट्टा चौक पर धरना दिया। बांडी सांजे द्वारा एमएलसी कविता पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में विधायक दानम नागेंद्र के नेतृत्व में धरना दिया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बांडी सांजे का पुतला फूंका गया। नागेंद्र ने बांडी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कविता से तत्काल माफी की मांग की है। बीआरएस नेताओं ने पंजागुट्टा चौक पर धरना दिया। बांडी सांजे द्वारा एमएलसी कविता पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में विधायक दानम नागेंद्र के नेतृत्व में धरना दिया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बांडी सांजे का पुतला फूंका गया। नागेंद्र ने बांडी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कविता से तत्काल माफी की मांग की है। बीआरएस विधायक विवेकानंद ने बांडी सांजे एमएलसी की कविता के लिए माफी की मांग की है। उन्होंने कुतबुल्लापुर के आईजीपीएल चौक पर धरना दिया। उन्होंने कहा है कि अगर बीआरएस सरकार राज्य में महिलाओं को बहुत अधिक समर्थन दे रही है तो कार्यालय में महिला नेता के बारे में बात करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को देश में घूमने नहीं देना चाहिए। बांडी सांजे को अपनी टिप्पणी वापस लेना और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की चेतावनी दी गई है, अन्यथा वे बांडी सांजे के घर और परिवार पर हमला करने के लिए तैयार है। बीआरएस विधायक विवेकानंद ने बांडी सांजे एमएलसी की कविता के लिए माफी की मांग की है। उन्होंने कुतबुल्लापुर के आईजीपीएल चौक पर धरना दिया। उन्होंने कहा है कि अगर बीआरएस सरकार राज्य में महिलाओं को बहुत अधिक समर्थन दे रही है तो कार्यालय में महिला नेता के बारे में बात करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को देश में घूमने नहीं देना चाहिए। बांडी सांजे को अपनी टिप्पणी वापस लेना और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की चेतावनी दी गई है, अन्यथा वे बांडी सांजे के घर और परिवार पर हमला करने के लिए तैयार है। बीआरएस विधायक गोपाल ने बांडी सांजे पर फायरिंग की। उन्होंने एमएलसी कविता पर की गई अनुचित टिप्पणियों के लिए तत्काल माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि एक पार्टी नेता होने के नाते इस तरह की बात करना संस्कृति नहीं है। बांडी सांजे को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने तुरंत माफी नहीं मांगी तो वहां बीआरएस नेताओं की ताकत दिखा देंगे। बाद में उन्होंने मुशीराबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने एमएलसी कविता पर की गई अनुचित टिप्पणियों के लिए तत्काल माफी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि एक पार्टी नेता होने के नाते इस तरह की बात करना संस्कृति नहीं है। बांडी सांजे को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने तुरंत माफी नहीं मांगी तो वह बीआरएस नेताओं की ताकत दिखा देंगे। बाद में उन्होंने मुशीराबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई। मंत्री सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि व्यक्तिगत आलोचना उचित नहीं है और सम्मान पूर्वक बोलने की सलाह दी जाती है। इस मौके पर मोदी को निकाल दिया गया। उन्होंने मोदी पर एक चोर को मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सवाल किया है कि भाजपा में महिलाओं का सम्मान कहाँ है। उन्होंने कहा है कि साफ है कि मोदी को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार केस दर्ज कर दिक्कत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री ने कहा है कि जांच एजेंसियों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि महिला आरक्षण को लेकर कविता के धरने को अच्छा प्रतिसाद मिला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा पार्टी महिलाओं को आरक्षण देने की बात नहीं कर रही है। प्रदेश भाजपा नेताओं को धरना देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर ने स्थानीय निकाय चुनाव में 50% आरक्षण दिया है। एमपीपीएस और ZPTCS 50% है। राज्य के भाजपा नेताओं ने कहा है कि धरना देना शर्म की बात है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण ना होने पर भी महिला मेयर बनाने का श्रेय केसीआर को जाता है। मंत्री सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में योजनाएं भाजपा शासित राज्यों में उपलब्ध नहीं है। मंत्री सत्यवती राठौर ने भाजपा नेता बांडी सांजे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बांडी सांजे के राजनीति में आने के बाद राजनीति के मूल्यों में गिरावट आई है। बांडी सांजे की राजनीतिक रूप से बेकार व्यक्तिगत के रूप में आलोचना की गई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस व्यक्ति के मन में महिलाओं का सम्मान नहीं है वह पार्टी का अध्यक्ष है।
कविता ने जागृति के अध्यक्ष के रूप में तेलंगाना आंदोलन में भूमिका निभाई। उन्होंने कहा है कि अगर महिलाओं को मौका दिया जाए तो आसमान की सीमा है। बंडी संजय की टिप्पणियों पर भाजपा का रुख जानने की मांग की। कविता पर संजय की टिप्पणी व्यक्तिगत है या भाजपा का रवैया? आदिवासी प्रतिनिधि के रूप में केसीआर ने 50% पंचायतों में आरक्षण जोड़ा। बंडी संजय की टिप्पणी महिला समुदाय के लिए अपमानजनक थी। उन्होंने चेतावनी दी है कि भाजपा का अंत नजदीक है। उन्होंने कहा है कि मुकदमों का डर नहीं है, भारत के सभी लोग जानते हैं कि किसके खिलाफ कौन से मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सभी जानते हैं कि मोदी का मतलब अडानी है। उन्होंने कहा है कि अगर चोर स्वामी जी हैदराबाद में दिन दहाड़े पकड़े जाते हैं तो कोई मुकदमा नहीं होता। उन्होंने कहा है कि 119 सीटों पर चुनाव लड़ा तो 100 सीटों पर जमा राशि नहीं मिली। बंडी ने कहा है कि अपने मुंह पर काबू रखना चाहिए और बोलना चाहिए, उनका परिवार है। उन्होंने चेतावनी दी है कि वे जो कुछ भी बोलेंगे समाज चुप नहीं रहेगा। सत्यवती राठौर ने बंडी संजय को पार्टी से निलंबित करने की मांग की है। एमएलसी कविता पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय की टिप्पणी पर बीआरएस सांसद मोलोथू कविता भड़क गई है। कविता को लेकर इस तरह बयान देने पर आपत्ति जताई गई है। एमएलसी कविता पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय की टिप्पणी पर बीआरएस सांसद मोलोथू कविता भड़क गई है। कविता को लेकर इस तरह बयान देने पर आपत्ति जताई गई है। कविता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर तेलंगाना भाजपा प्रमुख बंडी संजय के खिलाफ बीआरएस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने बंडी संजय का पुतला भी फूंका है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में जब बीजेपी अध्यक्ष से पूछा गया कि क्या कविता को दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किया जाएगा तो उन्होंने संवाददाताओं से कहा, अगर गिरफ्तार नहीं किया तो क्या वे उसे चूमेंगे। इस टिप्पणी की बीआरएस ने कड़ी आलोचना की थी। महिलाओं ने राज्य भाजपा प्रमुख की टिप्पणी पर मामला दर्ज करने के लिए हैदराबाद में बेगमपेट स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO से भी संपर्क किया है। बीआरएस ने बंडी संजय के पोस्टर के साथ एक ट्वीट में कहा, तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय की एमएलसी कविता के खिलाफ अनुचित टिप्पणियों से स्तब्ध है। कविता दिल्ली शराब घोटाले में अपनी संदिग्ध भूमिका के लिए केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा उससे पूछताछ की जा रही है और जांच एजेंसियों के एक गिरफ्तार आरोपी अरुण पिल्लई के साथ उसका सामना करने की संभावना है, जो उसका कथित करीबी सहयोगी भी है। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमक ने खुलासा किया है कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान यात्रा को जारी रखते हुए इस महीने की 16 तारीख से 15 जून तक 91 दिनों तक पद यात्रा आयोजित की जाएगी। इसी माह की 16 तारीख को आदिलाबाद जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र के बाजार हटनूर मंडल के पिपरी गांव में शाम 4 बजे पद यात्रा शुरू होगी। भट्टी विक्रमाकर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तेलंगाना दिया था, लेकिन 10 साल के बीआरएस प्रशासन के तहत इसने तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं को कम करके आंका। उन्होंने कहा है कि बीआरएस प्रशासन के तहत एक भी लक्ष्य हासिल नहीं किया गया है और इस वजह से लोगों में मायूसी है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना का पानी, फंड, नियुक्तियां, स्वाभिमान और लक्ष्य केवल कांग्रेस से ही संभव होगा। उन्होंने कहा है कि आने वाले 2023 से 24 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी और तेलंगाना के लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार देश में पिछली सरकारों द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को नष्ट कर रही है, कि भाजपा ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है और यहाँ की प्रधानमंत्री अपने पूंजीपति मित्रों के हाथों देश की संपत्ति को लुटा रहे हैं। चेरुको सुधाकर ने कहा है कि भुवनगिरी के सांसद कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी द्वारा फोन पर धमकी देने को लेकर मानिक राव ठाकरे से इसकी शिकायत की। उन्होंने कहा है कि भले ही उनकी वजह से पार्टी को अतीत में नुकसान उठाना पड़ा हो, लेकिन उन्होंने कोई पछतावा नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने वेंकट रेड्डी से माफी मांगने के लिए नहीं कहा। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के लिए और मुश्किलें खड़ी हो गई है, क्योंकि तेलंगाना पुलिस ने एक अन्य कांग्रेसी चेरुकू सुधाकर के बेटे सुहान को कथित तौर पर धमकी देने के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। सोमवार को पीड़ित सुहास द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर वन टाउन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। चेरुकू सुधाकर के बेटे, जो कभी भी कोमटी रेड्डी भाइयों को आंखों से देखने के लिए नहीं जाने जाते हैं, ने नलगोंडा के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और अनुरोध किया है कि भोंगीर सांसद को उन्हें और उनके पिता को जान से मारने की धमकी जारी करने के लिए गिरफ्तार किया जाए। वेंकट रेड्डी पर आपराधिक धमकी जारी करने के लिए IPC के धारा 506 के तहत आरोप लगाया गया था। पुलिस मामला दर्ज कर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी और सुहास के बीच हाल ही में फोन कॉल के वायरल वीडियो क्लिपिंग का नतीजा है।
बातचीत में सांसद को उनके बीच गर्मा गर्म बहस के दौरान पीड़िता को जान से मारने की धमकी देते हुए सुना गया। सोशल मीडिया पर ऑडियो क्लिप वायरल होने के साथ नलगोंडा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने खुद को मुश्किल स्थिति में पाया, क्योंकि उनकी पार्टी के भीतर और बाहर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कॉल बड़ी। यह बीआरएस एमएलसी के कविता से पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय पहुंची मूड को भापते हुए सांसद ने सोमवार को डैमेज कंट्रोल में खुद एक व्यर्थ प्रयास किया। यह स्वीकार करते हुए कि यह उनकी आवाज थी, कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि उनका मतलब किसी दुर्भावना से नहीं था और उन्होंने टिप्पणियों को भावनात्मक प्रकोप में बनाया। सांसद ने सोमवार को डैमेज कंट्रोल में खुद एक व्यर्थ प्रयास किया यह स्वीकार करते हुए कि यह उनकी आवाज थी, कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि उनका मतलब किसी दुर्भावना से नहीं था और उन्होंने उन टिप्पणियों को भावनात्मक प्रकोप में बनाया। उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की है कि उन्होंने सुहास को केवल यह सलाह देने के लिए बुलाया है कि वह बिना किसी तुक या कारण के उनकी आलोचना करना बंद कर दे, लेकिन हवा को साफ करने की अनुभवी नेता की कोशिश उनके गुस्से की गंभीरता के कारण ज्यादा बर्फ काटने में विफल रही। पार्टी में वेंकट रेड्डी का विरोध करने वालों ने कथित तौर पर तेलंगाना मामलों के AICC प्रभारी मानिक राव ठाकरे से शिकायत की है। उनका कहना है कि पार्टी के एक साथी नेता को जान से मारने की धमकी देना माफी नहीं किया जा सकता है और भोंगिर सांसद के खिलाफ गंभीर दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। जो कुछ महीने पहले अपने भाई कुमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के जाने के बाद से ही पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस महिला नेताओं ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना राज्य में महिलाओं के लिए सुरक्षा की कमी है। तेलंगाना राज्य महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुश्री सुनीता राव ने आदेश पर विधायक राजैया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। तेलंगाना राज्य महिला कांग्रेस ने एक गंभीर गलती की जब जनगाम जिला धर्मसागर मंडल की जानकीपुरम सरपंच ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुरासा पेली नव्या का यौन उत्पीड़न किया। सरपंच को यह कहकर मानसिक रूप से गाली देना शर्म की बात है कि अगर आप उसके पास नहीं आए तो वह आपको गांव में आने वाली धनराशि नहीं देगा। विधायक राजैया की सरपंच की हंसी से प्रदेश महिला कांग्रेस प्रभारी को ऑर्डिनेटर नीलम पद्मा भड़क उठी। शर्मनाक है कि बीआरएस नेता जो अपनी ही पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, महिला सुरक्षा की बात कह रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि राजैया को तत्काल पार्टी से निलंबित किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को दिल्ली शराब नीति मामले के बारे में चिंता जताते हुए बीआरएस एमएलसी कविता के घर की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को दबाने का श्रेय लिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए बीआरएस के फंडिंग के स्रोतों पर भी सवाल उठाया है। बीआरएस के स्थानीय टीआरएस से राष्ट्रीय टीआरएस में परिवर्तित के लिए धन कहां से आ रहा है। खेड़ा ने आरोप लगाया है कि बीआरएस आम लोगों का पैसा लूट रही है, उस धन का इस्तेमाल अपने विकास के लिए कर रही है। महिला आरक्षण के बिल के लिए कविता की भूख हड़ताल पर खैर ने पूछा है कि क्या एमएलसी को इतने वर्षों के बाद अचानक इसका कारण याद आया। एक बार जब मैं शमशाबाद में उतरा तो मैंने बीआरएस के पोस्टर देखे, सिर्फ कविता का चेहरा ऐसा नजर आ रहा था जैसे बीआरएस में वहां अकेली महिला हो। एक पूर्व सांसद के रूप में उन्होंने कितनी बार संसद में महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात की है, उनसे पूछे। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में कविता शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच में शामिल हुए। वह सुबह करीब 11:05 पर ईडी कार्यालय पहुंची और धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत उनका बयान दर्ज किया जाएगा। एक महिला उपनिदेशक स्तर की अधिकारी अपनी गवाही दर्ज करेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को गुरुवार को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने एक पत्र लिखकर और समय मांगा, जिसके बाद उनकी पूछताछ शनिवार के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को उसने जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन किया और दावा किया है कि वह दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से कभी नहीं मिली थी, यह कहते हुए कि उसका नाम अनावश्यक रूप से इस मामले में घसीटा जा रहा है। ईडी के मुताबिक कविता साउथ ग्रुप की उन प्रतिनिधियों में से एक है जिसने कथित तौर पर आम नेताओं को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। बीआरएस नेता का सामना हैदराबाद के व्यवसायी अरुण पिल्लई से हो सकता है, जिसे शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वह भी साउथ ग्रुप से है। साउथ ग्रुप का प्रतिनिधित्व अभिषेक बोयनपल्ली, अरुण पिल्लई और बुच्ची बाबू ने किया। बोयनपल्ली ने नायर और उसके सहयोगी दिनेश अरोड़ा के साथ मिली भगत और साजिश में 100 करोड़ रुपए के रिश्वत के हस्ताक्षर की सुविधा प्रदान की। अब हमें पिल्ले का कविता से आमना सामना कराना होगा। सिसोदिया फिलहाल ईडी की रिमांड पर है, ऐसी संभावना है कि कथित रिश्वत के मामले में कविता का सिसोदिया से आमना सामना कराया जा सकता है। जब हैदराबाद एयरपोर्ट से उतरते हैं तो पॉलिटिकल पोस्टर जो दिखते हैं इस
यहां की रूलिंग पार्टी के बीआरएस के एक महिला की फोटो दिखती है, जैसे कि पूरे तेलंगाना में बीआरएस को और कोई महिला मिली ही नहीं हो। उस महिला का नाम है कविता राव। वो महिला आज महिला आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रही है। जिस राज्य में आपकी पार्टी की हुकूमत है उसमें तो आपको और कोई महिला नहीं मिलती, आप खुद अपनी फोटो लगाए घूम रही होती हैं। जब ईडी और सीबीआई दरवाजे पे दस्तक दे रही हो तो आपको अचानक महिला आरक्षण याद आ जाता है। और फिर कांग्रेस पार्टी के लिए कहती हैं ऑपोजिशन यूनिटी नहीं कर रहे साहब। हमें कहते हैं कि कांग्रेस इज द लार्ज रीजनल पार्टी। माफ कीजिए, तेलंगाना के बाहर एक सरपंच जिताने की हैसियत जिस पार्टी की नहीं हो वो उस पार्टी को चुनौती दे रही है जिसका हर राज्य में एमएलए है, हर राज्य में सरपंच है, हर राज्य में कोई ना कोई चुना हुआ नुमाइंदा है। थोड़ा अहंकार कम होना चाहिए। मैं मानता हूं आपके पास बहुत पैसा आ गया है, लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार के आरोप हमें मालूम है आप पर लगे हैं, लिकर स्कैम की पहली शिकायत दिल्ली के उपराज्यपाल के दरवाजे पर कांग्रेस पार्टी ने लिख कर दी थी। उसके बाद लिकर स्कैम की जांच शुरू हुई। तो जब जांच शुरू हुई और एजेंसियां यहां तक आ गई तब आपको कांग्रेस पार्टी याद आती है कि कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन यूनिटी नहीं कर रही, कांग्रेस पार्टी हमारे रक्षा में कुछ नहीं बोल रही। हम क्यों आपकी रक्षा में बोलेंगे? हमारी शिकायत पर तो आपके खिलाफ ये जांच हुई है। जो भ्रष्टाचार दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने शराब की नीति में किया है वो अकेले नहीं किया, उसमें पार्टनरशिप थी। वो पार्टनरशिप यहां की सरकार, यहां की रूलिंग पार्टी के नेताओं के साथ थी। तो आप सबके माध्यम से तेलंगाना के लोगों को मैं ये बताने आया हूं कि इनकी भावनाओं को समझिए, इन भावनाओं के पीछे की नीयत को समझिए। ये डरे हुए हैं, ये आपका और हमारा ध्यान भटकाना चाहते हैं, शराब घोटाले से हमारा ध्यान हटा के महिला आरक्षण पर लाना चाहते हैं। आप भी एमपी रही हुई हैं, पार्लियामेंट में आपने कितनी बार महिला आरक्षण की बात की थी जरा बताइए? तब नहीं महिला आरक्षण याद आ रहा था। जब डोरबेल बजती है बोलते हैं सीबीआई से आया हूं तो बोले महिला आरक्षण चाहिए। इसलिए इनका असली चेहरा आपको दिखाना आवश्यक है। आप तो हमसे ज्यादा जानते हैं लेकिन तेलंगाना का एक एक वोटर यह समझ गया है कि ये जो टीआरएस से बीआरएस बनी है ना, ये पैसा कहां से आया है, ये अब दिल्ली की सरकार का जो घोटाला है वहां से आपको जवाब मिलेंगे। जब मेरे पास 100 रुपए होते हैं तो मैं एक छोटी दुकान खोलता हूं, 500 आ जाते हैं तो थोड़ा बड़ी दुकान हो जाती है, 5 लाख आ जाते हैं तो मॉल की तरफ बढ़ता हूं। ये अब छोटी दुकान मॉल बनाना चाहते हैं लेकिन उस मॉल से का जो पैसा आ रहा है वो आम आदमी की जेब से निकाल कर वो पैसा लूटा जा रहा है, उसकी जांच चल रही है। बताइए जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? जांच भी होनी चाहिए, सजा भी होनी चाहिए। और ये जो भटकाने की इनकी कोशिश है हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के घोटालेबाजों के खिलाफ आवाज उठाएगी और तेलंगाना में सबसे पहली शुरुआत हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां से भी, यहां के भी लोगों को लूटा गया। तो अब बीआरएस को वीआरएस बनाना है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लानी है, इस परिवार पर लानी। बंगारू तेलंगाना कहने वाले लोगों के लिए बंगारू सिर्फ इनके परिवार के लिए हुआ है, तेलंगाना के लोगों के लिए कुछ बंगारू नहीं है।
राज्य के प्रभारी मानिक राव ठाकरे ने विश्वास जताया है कि अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा है कि केवल कांग्रेस पार्टी ही है जो बीआरएस के खिलाफ गंभीरता से लड़ रही है। बीआरएस रंग दे रही है कि उनकी लड़ाई बीजेपी से है। उन्होंने केसीआर पर मोदी की छवि खराब होने से बचने का आरोप लगाया है। सिर्फ 70 करोड़ उनके ऊपर कर्जा है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर 4 लाख करोड़ का जो कर्जा हुआ है, ये गया कहाँ पे? गरीब जनता की तो कोई स्कीम पूरी नहीं हुई है, ना सभी को घर मिला है, ना सभी युवाओं को वहाँ पर 15 लाख 10 लाख रुपए मिले हैं। बीच में ही पैसा जा रहा है, उनके प्रतिनिधि जो है वो क्या कर रहे हैं? आधा हमारा आधा तुम्हारा, इस तरीके से वो स्कीम ये टीआरएस ने जो बनाई है उन्हीं के लोगों के लिए बनाई है, ताकि वो पैसा उसमें से कमाए और बाद में वही चुनाव में लगाए। तो ये नीति जो चल रही है गरीब लोगों का नाम लेकर अपनी जेब भरने की, और बाद में जिस तरीके से ओन जी ने यहाँ पर आप सभी के सामने कहा है कि उनकी नीति, पैसा आने के बाद क्या होता है, तो फिर बड़ी दुकान उस तरीके से खरीदी जाती है जो उन्होंने संकेत दिए। इसीलिए पैसों के आधार पे गरीब आदमी का पैसा लूट कर जो राजनीति टीआरएस कर रही है, ये सभी जनता को अभी पता चल चुका है, और उनको भी पता चल चुका है कि तेलंगाना के अंदर हमारे पैर तले की जमीन खिसक रही है, और यहाँ पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है, और आज की तारीख में कांग्रेस आगे बढ़ी है, और 100% गवर्नमेंट तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की ही आएंगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। और इसी तरीके से, क्योंकि अंदर की बात शायद इनको लगता हो कि हमने पैसा तो बांट दिया है, लेकिन पैसा आया कहाँ से? गरीब जनता के जेब से पैसा निकाल लेना और उसको 5% 10% उसमें से निकाल के दे देना और हमने आपके लिए कितना बड़ा अच्छा काम किया है दिखावा, ये करने की कोशिश ये गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन लोगों को इस पता चल चुका है कि ये गवर्नमेंट हमारे हित में नहीं है, वो फैमिली के हित में है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। बस ये पवन राजी हमारे जो नेतृत्व है, जो मीडिया के प्रमुख है, उस तरीके से अब उन्होंने आपके सामने यहाँ पर बात रखी। आपको सभी को मैं हत्या के एक मामले में सजा काट रहे कैदी जो चिरलापल्ली ओपन एयर जेल से बुधवार को फरार हो गया था, को पुलिस ने आखिरकार धर दबोचा और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हम्बम के मूल निवासी 55 वर्षीय मल्तू हुसैन को 2015 में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, और बाद में सेंट्रल जेल वारंगल में सजा का एक हिस्सा काटने के बाद चिरलापल्ली ओपन एयर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। बुधवार को उसे खेत में काम करने के लिए कहा गया, जहां से वह फरार हो गया। उसके भागने पर पता चला है कि बाद में जेल अधिकारियों ने इस घटना की शिकायत गुरुवार को कुशाईगुड़ा पुलिस से की है, जिसने कैदी को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। जेल विभाग के अधिकारियों ने केवल अच्छे व्यवहार वाले कैदियों को चिरलापल्ली ओपन एयर जेल में खेती या बढ़ाईगिरी और स्टील फर्नीचर बनाने जैसे कौशल आधारित कार्यों के लिए भेजा था। हालांकि पुलिस को शक था कि हुसैन ने आजादी का फायदा